बेटा ऐसा ना हो उसे ढूंढते ढूंढते खुद को खो दो। खो तो दिया है खुद को, दुआएं करते करते भी थक चुका हूं। बहुत तलाश किया उसे, पता नहीं क्यों आजमा रही है मुझे। तुम फिर उसे ही इल्जाम दे रहे हो? उसको तो पता भी नहीं होगा तुम्हारी बेकरारियों का। ऐसा नहीं हो सकता, मेरे बिना कुछ कहे मेरे दिल का हाल जान जाती थी। मैं उदास होता था तो तड़प उठती थी। कैसे अनजान हो गई वो? अल्लाह तो तुम्हारी तड़प से वाकिफ है ना। अल्लाह अपने बंदों से गाफिल नहीं होता मोमिन, बल्कि वो तो गफलतों को दूर करने वाला है। मुझे जानता हूं क्या कहना होगा तुम्हें। लेकिन तुम ये नहीं जानते कि मैं तुम्हारे इंतजार कर करके थक चुकी हूं। मुझे डर है कि मैं तुम्हारा रास्ता देखती रह जाऊंगी और तुम मुझे भूल जाओगे। बेबस हूं आशी। कैसी बेबस? क्या जाते वक्त वो ये भी कह गई थी कि हर रिश्ते को भूल जाना, हर किसी को इंतजार और खौफ की सूली पर लटका कर अपनी पछतावों की आग को बुझाने के लिए दरदर फिरते रहना? तुम भूल रहे हो मोमिन कि एक टूटे हुए दिल को जोड़ने के लिए तुम कई दिल तोड़ रहे हो। खाला ने तुम्हें कुछ कहना ही छोड़ दिया, अब तो मेरी भी हिम्मत जवाब दे रही है मोमिन। मोहब्बत करने वालों की हिम्मत जवाब देने लगे तो मान लेना चाहिए कि हिम्मत कम और मोहब्बत जवाब देने लगी। शायद तुम्हारे लिए मेरी मोहब्बत अहम ही नहीं रही। ऐसा नहीं है आशी, ऐसा नहीं है। मैं अंदर ही अंदर मर रहा हूं, एहसास से जुर्म का बोझ मुझसे सहा नहीं जा रहा। सांस लेता हूं ना तो अजियत सी महसूस होती है मुझे। फरार अजियत का हल नहीं है। सारा सारा दिन बाहर रहते हो, अब तो रातें भी बाहर गुजारने लगे। रात हो या दिन सब एक जैसा लगता है मुझे। मोमिन अगर उसे मिलना होता तो वो मिल चुकी होती। रहम करो खुद पर, खाला पर, मुझ पर, भूल जाओ उसे। मेरा यकीन करो उसने तुम्हें माफ कर दिया होगा। वो हमारी खुशियों के लिए दुआएं मांग रही होगी, वो तुमसे नाराज नहीं होगी, वो मान चुकी होगी कि तुम्हें उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे उसकी जरूरत, मुझे माया की तलाश नहीं, मुझे सुकून की तलाश है जो सिर्फ उसके लौटने पे मिल सकता। सुकून देने वाली जात भी अल्लाह की। तुम बिला वजह नहीं, मैंने माया पे जुल्म किया है और जुल्म की सजा काटनी है मुझे। लेकिन मैं ये सजा और नहीं काट सकती।